हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के एक प्राचीन शहर मखानों के गढ़, बिहार का पांचवा सबसे बड़ा शहर और द प्रिंसली स्टेट दरभंगा के बारे में। ये शहर हिंदुस्तान के 13वें सबसे बड़े सूबे में बागमती नदी के किनारे बसा हुआ बिहार का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ दरभंगा और मिथिलांचल से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे आप पसंद करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरभंगा बिहार के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। इस शहर की इमारतें देखते ही बनती हैं। वैसे दरभंगा की कुल आबादी लगभग 44,90,000 है। ये शहर 2279 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस शहर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। दरभंगा शहर के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूरब में सहरसा और पश्चिम में मुजफ्फरपुर के साथ साथ सीतामढ़ी जिला भी आता है। प्राचीन काल में ये शहर दरभंगा राज की राजधानी भी हुआ करती थी। ये बात शायद ही आपको मालूम हो कि पटना के बाद दरभंगा ही बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल हब है और यहाँ PMCH की तर्ज पर DMCH काफ़ी प्रचलित है। आप सुनेंगे तो शायद आपको अपनी कानों पर यकीन न हो, पर अब हम आपको इस शहर के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो 100% सच है। जी हाँ, हिंदुस्तान का सबसे पहला भूकंपरोधी महल इसी शहर में मौजूद है, जिसे हम नरगौना पैलेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस शहर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह के शासनकाल में दरभंगी खान ने इस शहर की स्थापना की थी, लेकिन इस बात में लोगों की अलग अलग राय है। दोस्तों, अब हम इस शहर के किले के बारे में आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। दरभंगा शहर में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिन्हें आज बचाने की ज़रूरत है। सही रखरखाव के अभाव में ये बहुमूल्य धरोहरें धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही हैं। यहाँ के महाराजाओं ने बड़े ही शौक से भवनों व संग्रहालयों का निर्माण कराया था। प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये ख़त्म होने के कगार पर हैं। जनमानस को आज अपने पुराने इतिहास को बचाने की मुहिम चलानी चाहिए। दरभंगा बस स्टैंड के नज़दीक स्थित दरभंगा राज का किला सामने वाली सड़क से गुजरने वालों का ध्यान बरबस ही खींच लेती है। दरभंगा के महाराज का यह किला उत्तर बिहार के दुर्लभ और आकर्षक इमारतों में से एक रहा है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने 1977 में इस किले का सर्वेक्षण भी कराया था। तब इसकी ऐतिहासिक महत्वता को स्वीकार करते हुए किले की तुलना दिल्ली के लाल किले से की गई थी। ये तो दरभंगा राज का किला है, दिल्ली के लाल किले से कम नहीं है। फर्क बस ये है कि लाल किले का रख रखाव किया जाता है और यहाँ दरभंगा राज किले का नहीं। आश्चर्य की बात तो देखिए, इसे ठीक करने के बजाय नगर निगम की ओर से यहाँ क्षतिग्रस्त का बोर्ड लगाकर लोगों को यहाँ से गुजरने के लिए मना किया जाता है। हम नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी धरोहरों को संवारने के लिए आगे आएं, तभी जाकर प्रशासन और सरकार की भी नींद खुलेगी, अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा। चलाए जा रहे अभियान अपना शहर अपना नज़रिया के दौरान शहरवासियों ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। अगर वहाँ के लोगों की माने तो शहर के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। किले के अंदर रामबाग पैलेस स्थित होने के कारण इसे रामबाग का किला भी कहा जाता है। वैसे दुखद बात ये है कि दरभंगा महाराज की स्मृति है अब रखरखाव के अभाव में एक खंडहर में तब्दील हो रहा है। शहर की पहचान के रूप में जाने वाले इस किले की वास्तुकारी पर फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजे की झलक मिलती है। किले के निर्माण से काफ़ी पूर्व यह इलाका इस्लामपुर नामक गांव का एक हिस्सा था, जो कि मुर्शिदाबाद राज्य के नवाब अली बर्दी खान के नियंत्रण में था। नवाब अली बर्दी खान दरभंगा के आखिरी महाराजा श्री कामेश्वर सिंह के पूर्वजों को यह गाँव दिया गया था। इसके उपरांत
सन 1930 ईस्वी में जब महाराजा कामेश्वर सिंह ने भारत के अन्य किलों की भांति यहां भी एक किला बनाने का निश्चय किया, तो यहां की मुस्लिम बहुल जनसंख्या को जमीन के मुआवजे के साथ शिवधारा, अलीनगर, लहरिया सराय, चकदोहरा आदि जगहों पर बसाया। रामबाग कैंपस चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ है और लगभग 85 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। किले की दीवारों का निर्माण लाल ईंटों से हुआ है। इसकी दीवार 1 किलोमीटर लंबी और करीब 500 मीटर चौड़ी है। किले के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, इस पर वास्तुकला से दुर्लभ दृश्य उकेरे गए थे। किले के भीतर दीवार के चारों तरफ खाई का भी निर्माण किया गया था। उस वक्त खाई में बराबर पानी भरा रहता था। ऐसा किले और वस्तुतः राज परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया था। किले की दीवार काफ़ी मोटी थी। दीवार के ऊपरी भाग में वॉच टावर और गार्ड हाउस बनाए गए थे। महाराजा महेश ठाकुर के द्वारा स्थापित एक दुर्लभ कंकाली मंदिर भी इसी किले के अंदर स्थित है। जैसा कि हमने बताया था कि महाराजा महेश ठाकुर को देवी कंकाली की मूर्ति यमुना में स्नान करते समय मिली थी। प्रतिमा को उन्होंने लाकर रामबाग के किले में स्थापित किया था। यह मंदिर राज परिवार की कुल देवी के मंदिर से भिन्न है और आज भी लगातार श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किले के अंदर 2 महल भी स्थित हैं। 1970 के भूकंप में किले की पश्चिमी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके साथ ही 2 पैलेस में से एक पैलेस भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसी महल में राज परिवार की कुलदेवी भी स्थित हैं। यह महल आम लोगों को दर्शनास्थात्र हेतु नहीं खोले गए। दरभंगा राज वस्तुतः एक बेहद समृद्ध जमींदारी व्यवस्था थी, किंतु औपचारिक रूप से राजाओं का दर्जा नहीं होने की बात महाराजा कामेश्वर सिंह को यह बात अक्सर खटकती रहती थी। इतिहास के बदलते घटनाक्रम में जब देश की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने यह तय किया कि वह दरभंगा महाराज श्री कामेश्वर सिंह को नेटिव प्रिंस की उपाधि देगी, तो इसका अर्थ ये निकाला गया कि उस स्थिति में दरभंगा राज एक प्रिंसली स्टेट अर्थात एक स्वतंत्र राजशाही बन जाएगी। इस ऐतिहासिक क्षण की याद में दरभंगा राज किले का निर्माण 1934 ईस्वी में आरम्भ किया गया। किले के निर्माण के लिए कलकत्ता की एक कंपनी को ठेका भी दिया गया, लेकिन जब 3 तरफ से किले का निर्माण पूरा हो चुका था और इसके पश्चिम हिस्से का दीवार का निर्माण चल रहा था कि भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई। भारत में तब सत्ता में आई नई सरकार ने प्रिंसली स्टेट और जमींदारी प्रथा बंद कर दी। फलस्वरूप अधिनिर्मित दीवार जहाँ तक बनी थी वहीं तक बनी रह गई और किले का निर्माण बंद करना पड़ गया। दरभंगा राज्य की अन्य धरोहरों की तरह रामबाग किले की हालत भी अब ज़्यादा अच्छी नहीं है। संरक्षण के अभाव में किले की दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और इसके ढहने का भी खतरा बना हुआ है। इसकी 4 दीवारियों पर ढेर सारे विज्ञापन इसे बदरंग बना रहे हैं और दीवारों के ऊपरी हिस्से में उग आए पीपल के पौधे अपनी जड़ों से दीवारों को कमज़ोर करते जा रहे हैं। महाराजा कामेश्वर सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने रामबाग परिसर की कीमती ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इस सब के बावजूद दरभंगा का राजकिला आज भी दरभंगा अपितु संपूर्ण मिथिलांचल के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। जिला प्रशासन एवं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इस ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण का जिम्मा उठाना चाहिए। पर्यटन के दृष्टिकोण से इसे विकसित किया जाना चाहिए था, जिससे यह राज्य के लिए एक आय का स्रोत हो सकता था। वैसे अभी इसकी कोई संभावना तो नजर नहीं आ रही। केवल नगर निगम और प्रशासन पर फेंक कर लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। लोग की माने तो ऐतिहासिक चीज़ों को बचाए जाने की मुहिम चलाई जानी चाहिए। इससे संबंधित जो विभाग भी है वे क्रियाशील नहीं हैं। वैसे तो शहर में समस्याओं का मकड़जाल फैला हुआ है। समस्याओं को प्राथमिकताओं के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।